आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सरिया का वज़न कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको बताने वाले हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है सरिया का वज़न निकालने के लिए, डी स्क्वायर अपॉन 162। ये फॉर्मूला होता है। और जो भी आपकी स्टील आती है, सरिया आती है, उसकी जो लेंथ होती है वो 12 मीटर की होती है। अब इसमें 12 मीटर की होती है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से। अब एग्ज़ाम्पल के लिए समझाते हैं, ये कोई भी एक स्टील की पूरी लेंथ है जो कि आपकी है 10 mm की। 10 mm की अब ये हमारी स्टील बार है। अब हमें पता करना है कि एक स्टील बार का वेट कितना है। तो यहाँ पे डी जो है ये है डाया, डाया ऑफ बार मीन्स जो सरिया है उसका डायमीटर कितना है। ये है 10 mm की सरिया है, 10 लिखो, स्क्वायर लगाओ, नीचे कितना है 162 इंटू, हमें पूरे लेंथ का ये मतलब जो पूरी लेंथ है उस सरिया का, उस एक सरिया का हमें वज़न पता करना है। तो लिख दो 12। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे हमारा ये आएगा 7.40 kg। ये आप ऐसे वेट निकाल सकते हो। अब इसमें ये जो 12 है, 12 हमने इसलिए लिखा है, ये पूरी हमारे एक स्टील बार जो आता है, एक पूरी सरिया आती है, उसकी 12 मीटर की लेंथ होती है। मान लेते हैं कि अगर कोई भी ये स्टील है, आपने यहाँ से इसको कट कर दिया, अब आपके पास स्टील बची है 6 मीटर की, आप चाहते हो उसका कितना वेट होगा ये निकालना चाहते हो, तो इस 12 की जगह पे 6 लिख दो। वैसे ही जितने भी मीटर की आपको जितने भी मीटर का आपको वेट निकालना है, आप यहाँ पे उसका लेंथ लिख सकते हो। जैसे ये 10 mm का था तो हमने डी की जगह 10 लिख दिया। वैसे ही अगर 12 mm की सरिया है तो आप डी की जगह पे क्या लिखोगे, 12 लिखोगे। अगर यही सरिया 14 mm की है तो डी की जगह पे आप 14 लिखोगे। ऐसे ही कोई भी डाया की सरिया हो, स्टील हो, आप ऐसे निकाल सकते हो स्टील का वेट। और भी ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगे हो, अगर आपने इसे कुछ सीखा हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।